यूट्यूब से संन्यास ले रहे हैं हम, हमारा आखिरी ब्लॉग है। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को ईद मुबारक। और अभी 9 बजे की नमाज़ है, 9:15 हो रहे हैं, मुझे टोपी पहनना है और बस नमाज़ के लिए निकलना है, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मुबारक। अभी क्या याद आ रहा है? शिरकुरमा। चलो शिरकुरमा पीते हैं। 10 बजे नमाज़ ख़त्म हुई, 9 बजे थी, उसके बाद नमाज़ हुई, दुआ हुई, फिर वहाँ पे बहुत सारे मस्जिद में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, फिर वहाँ से मैं घर आया, फिर मेरे फैमिली से मिला, रिश्तेदारों से मिला, ख़ानदान वालों से मिला, पास पड़ोस वालों से मिला, उसके बाद थोड़ा शिरकुरमा वगैरह पिए। अभी 12 बज रहे हैं और रात भर चांद रात थी तो मार्केट में घूम रहे थे, अभी नींद आ रही है, लेकिन अभी दोस्तों से भी तो मिलना है, अगर सो गया तो उठने के बाद मिलूँगा या फिर अभी जाके मिलूँगा तो पता नहीं, तो जो होगा आगे अब देख लो। सो गाइस, ईद की नमाज वमाज पढ़ के आपने अभी देखा, मैं जाके सो गया था और आज ईद नहीं है, बासी ईद भी नहीं है। कितने दिन हो गए ईद को? दिवासी भी नहीं है, पूरा एक महीना दिवासी भी नहीं है। आज ईद के बाद का चौथा दिन है और मैं चौथे दिन के बाद ब्लॉग कंप्लीट कंटिन्यू कर रहा, और आज हमारे मुदस्सिर भाई के पास ईद की दावत है, तो मैंने सोचा कि वो ब्लॉग अधूरा रह गया था तो आज कंटिन्यू कर लेते हैं। भाई ईद कैसी गई? कहाँ थे 3 दिन बिजी, चौथे दिन इनवाइट कर रहे हैं। दावतों में आने जाने में बिजी। वो क्या चल रहा था ग्रुप में मैसेज ससुराल वाला? हाँ यार, क्या पहले दिन ससुराल, ससुराल मनाया गया, ससुराल हमारे पास पहले दिन मनाया, जिसके सिटी में घर है, जिसका दूर रहता है, अच्छा, जो शादी शुदा लोग है ना तो ईद के दिन अपनी वाइफ को लेकर ससुराल जाते, तो उसको यौमे ससुराल बोलते ना, मतलब ईद होती है, बासी ईद होती है, तासी ईद होती है, तो उसमें एक यौमे ससुराल बोल के नया ट्रेंडिंग चालू, ट्रेंड चालू हुआ, तो सब लोगों ने लेकर गए हमें। अमन अमन लेके गया, अमन का रीडिंग का काम चालू, लेके गया था ससुराल में, यौमे ससुराल बीवी को लेके। चलो अपनी पार्टी के, अपनी पार्टी। अस्सलाम वालेकुम, हमारे मुदस्सिर भी आ गए, मुसाफिर दो मुदस्सिर भी हमारे पास में। ये बाकी सब लोगों से तो मिल चुके होंगे आप, अभी हम लास्ट वाला व्लॉग था ना, इफ्तार पार्टी हम फैजाबाद गए थे, सब लोग थे। यस, क्या बोल रहे हो? फिर से लेंगे। ओके, फिर से। तो आ रहे हैं हमारे मुदस्सिर भाई का है, और हमने जब यूट्यूब पे स्टार्ट करने करे थे, सोचे थे हमारा भी कभी गोल्डन बटन आएगा। बोलो आपके कितने सब्सक्राइबर है? मेरे 5,500। तो बोलो गाइस 5,500 में गोल्डन बटन आ गया। ये थोड़ा सा तो हमने 2017 में जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करे थे सोचे थे कि हमारा भी गोल्डन बटन आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया, क्योंकि हमारा कंटेंट बहुत डिसेंट है, छोटी कंटेंट बनाना पड़ेगा हमारे को तो शायद वायरल हो जाएंगे हम। और अभी यूट्यूब बड़े वीडियोस को सपोर्ट नहीं कर रहा, शॉर्ट्स वीडियो को सपोर्ट कर रहा, तो शॉर्ट्स में तो जल्दी आ जा रहा गोल्डन बटन, किसको भी आ जा रहा, तो हमारा ड्रीम, हाँ अब हमारा ड्रीम नहीं रहा, ये खत्म हो गया, अब हम यूट्यूब छोड़ दे, क्योंकि सबको आ रहा तो फिर छोड़ना पड़ेगा, कॉमन हो गया, अब हमको कुछ और ड्रीम देखना पड़ेगा। तो YouTube से संन्यास ले रहे हम, हमारा आखिरी ब्लॉग है, देखते हैं ट्विटर पे ट्राई करते हैं, ट्विटर पे ट्राई करेंगे, आखिरी ब्लॉग है, टिकटॉक पे ट्राई करेंगे, टिकटॉक तो बैन हो गया, इसलिए उसी पे ट्राई, नहीं शॉर्ट्स बनेंगे शॉर्ट्स। क्या बोलते हैं आप लोग, कैमरा घुमाओ उधर, क्या कैमरा चाहिए, बनाओ शॉर्ट्स, दो जोश पे ट्राई करो, कुछ नया कंटेंट लाना, शॉर्ट्स विद स्टोरी, मौज पे ट्राई करो, मौज पे टकटक पे, मैं सोच रहा हूं सोशल मीडिया ही छोड़ देना चाहिए, अब इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम सब बंद कर देना चाहिए, एमएस टकटक, क्योंकि बहुत गंदगी हो गई अब, चलो भाई एमएस टकटक सही रहे। चलो चलो ये बिछा लीजिए, चलो हम खाना खाते हैं। तो आज इफ्तार की पार्टी मुदस्सिर भाई की तरफ है, जैसा सलमान भाई की तरफ होती है ना ईद की पार्टी, तो वैसा ईद पे आई थी पिक्चर, किसी का भाई किसी की जान, तो सलमान वो मुदस्सिर भाई घर पे खाना है, किसी के पाए इफ्तार पार्टी, किसी का नाम, बहुत सारे ये नया डिश का नाम रखे हमने, तो आज से ये बोला जाएगा, जैसा किसी का भाई किसी की जान बोलते ना, वैसा किसी का पाए किसी के नाम बोला, और फिर नल्ली झटकी है ऐसा जोर से, फिर आना आएंगे धीरे धीरे चुपके से, चोरी चोरी वो स्टेप करें। सो खाना हो गया, अभी शिरकुरमा आ गया, लोग पी रहे यहाँ पे, भाई सर्व कर रहे क्या आप? जजाकल्ला, शिरकुरमा
शिरखुरमा यहाँ पे ऑनेस्टली बोलू मेरा दूसरा शिरखुरमा ही सीरियसली ये मेरा दूसरा शिरखुरमा है इसके दिन एक मेरे घर पे पिया था रात में और अभी ये दूसरा हम लोग 3 बजे से बैठे हैं यहाँ पे और अभी बज रहे हैं 7:30 और यहाँ पे इनका चल रहा है दूसरी चीज आपने बोल दी जब आपके पास माइक था आपका चुनावी मंच नहीं आप चिल्ला चिल्ला कर बार बार माइक छीन कर बोलेंगे तो ये है पॉलिटिशियन और ये है मीडिया वाले तो रहा सवाल लेकिन मुझे मेरा भी एक सवाल मिल तो जब ऐसा क्यों बहस करने लग जाते इन्होंने कहा कि शहर के नाम पर उसकी मिसाल ये बैठी है मेरे सामने इन्होंने इसी बार 3,000 आपने स्टंट किए उतारे आप आज अपना आज के अंदर से कांग्रेस ही है आज के अंदर से कांग्रेस ही है कांग्रेस विचारधारा के साथ चलते हैं हूँ मैं कांग्रेसी हूँ गांधीवादी और मुझे इस बार उसी गांधीवादी विचारधारा ने जब औरंगाबाद शहर का नाम बदला जा रहा था तो कैबिनेट के अंदर कांग्रेस ने विरोध नहीं किया इस्तीफा दिए मेरा कोई लेना देना नहीं है इनसे मैं चाय के लिए रुका चाय और शिरखुरमा के लिए रुके मैं काफी हंग्री फील कर रहा हूँ और भूखे पेट यहाँ पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं तो ये हिंसा पर ये फालतू की डिबेट है बता दूं कि 144 फालतू की डिबेट है 144 लगने वाला है चल अल्लाह हाफिज ये भाई जा रहे हैं इनको अलविदा किए हमारी अभी चाय और इनकी चल रही है डिबेट चाय पे चर्चा शिरखुरमा पे हो गई अभी शिरखुरमा चाय चल रही है मैन एंडलिंग हो रही है यार तो चावल बन चुके बातें बहुत हो गई अब्दुल्ला जी लंच हो गया सीधा डिनर का टाइम हो गया ये यहाँ पे सेटअप लगा के कंटेंट बनाया जा रहा है सब अपना अपना मैंने एक बनाया था शायरी वाला नान कटिया वाला वो यहीं पे बनाया था तो अभी ये ब्लॉग को यहीं खत्म कर रहा हूँ चलो कंटेंट बना मिलते अगले ब्लॉग में।